सर सब पे बुलडोजर टर्न चाहिए और 1 करोड़ रुपए लगना चाहिए जुर्माना। इस तरह तो भविष्य से हमारे खिलवाड़ हो रहा है, ये तो गलत है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी पेपर निरस्त रद्द होना चाहिए, इसके बाद दोबारा इसकी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होनी चाहिए और ये पूरी सख्ताई से पेपर दोबारा होना चाहिए, इसका एक ही रास्ता है। और पेपर चारों शिफ्ट का होना चाहिए रद्द, ऐसे नहीं कि दो का होगा, क्योंकि जो दो बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा, जो दो दो शिफ्ट के बच्चे हैं वो 3 महीने ज्यादा मिलेंगे। क्या लगा था जब ये 60,000 की भर्ती निकली थी तो आप लोगों को क्या उम्मीदें जगी थी? दिखी है कि भाई चलो सिलेक्शन लेंगे, भाई 100% तो कोई श्योर नहीं होता, लेकिन 90% होता है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, चलो भाई हो ही जाएगा। अचानक पहली बात तो अचानक भर्ती दी जी, टाइम नहीं दिया, 45 दिन का समय दिया, जैसे भी करके मतलब जल्दबाजी में होया सब कुछ, जल्दबाजी का नहीं लिया। पेपर लीक हुआ है सर, ये दोबारा पेपर होना चाहिए, जल्दबाजी की वजह से हुआ है। और जहाँ सेंटर लग रहे थे ऐसा था कि कोई घूस का कोठा है, ऐसी ऐसी जगह सेंटर लग रहे थे और ना उनमें सुविधा ना उन पे लिखने की सुविधा। स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 पुलिस भर्ती अभी कुछ दिन पहले निकाली गई थी, यानी कयास ये लगाए जा रहे थे कि भविष्य एक बार फिर युवाओं का उत्तर प्रदेश में सुधरने वाला है, लेकिन जिस तरह की खबरें कल से निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, यूपी पुलिस के पेपर लीक होने की खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो वाकई में एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उस खबर को वायरल किया और बताया कि किस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी खबर के साथ हम इस वक्त पहुंचे हैं गंगो में शिक्षा लाइब्रेरी पर, और यहाँ जो स्टूडेंट इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में वो युवा हैं जो अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद ये युवा अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से तैयार थे, और जैसे ही कल पेपर आया और वो लीक होने की खबरें आई तो उससे एक बार लगता है कहीं ना कहीं इनके मनोबल गिरने की और इनका मनोबल टूटने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। इन बच्चों से हम जानकारी लेंगे किस तरह की खबरें निकल कर आई, क्या आपके पास इस चीज का प्रमाण है, हालांकि ये तो जांच प्रक्रिया में ही पता चलेगा कि वो पेपर जो लीक हुआ कहां से हुआ, किस तरह हुआ और वो सच है कि नहीं है। चलिए कुछ बच्चे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, अभी कुछ देर पहले थाना प्रांगण गंगो में ये पहुंचे थे और इन्होंने वहां जाकर एक ज्ञापन सौंपा और मांग यही कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उन्हीं 3 से 4 सवालों के साथ इस लाइब्रेरी के जो संचालक करता है उनसे हम बात करेंगे, किस तरह की आपको खबर लगी, कल पेपर था बच्चों का, आप इतनी मेहनत से पेपर करा रहे हैं बच्चों का और यहाँ शिक्षा लाइब्रेरी के नाम से आपकी लाइब्रेरी वैसे भी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो क्या लगता है क्या सामने आई खबर निकल कर? मामला ये हुआ जी कि कल 9:16 पे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लीक हुआ और वो पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का था। जैसे बच्चों ने देखा सेकंड पेपर देखे, ये तो सेकंड में पहले ही आ रहा था, तो इसका मतलब जो बच्चे तैयारी में नहीं थे और जिन्हें पैसे खर्च करके ये पेपर लिया, तो इसका मतलब जो है जो पैसे वाले लोग हैं मेरी नौकरी करेंगे। इन बच्चों ने रात दिन एक किया है लाइब्रेरी में रह के, खाना टाइम से नहीं खाया लेकिन फिर भी लगे रहे। ये देखो मेरे पास प्रूफ है, बिल्कुल टेलीग्राम पे लिंक आया हुआ है, उसमें पूरा बिल्कुल A to Z पूरी लिस्ट है, पूरी A to Z। तो यानी पहला पेपर किस टाइम होना था? पहला पेपर हमारा 10 बजे से 12 बजे तक होना था, 12 बजे ठीक है, और दूसरा 3 से 5 होना था, ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चों ने सोचा जैसे लिस्ट जारी हुई पहले पेपर दे के, उन्हें सोचा कि शायद इसके आंसर है, ये उन्हें मैच करा कि ये नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट शिफ्ट थी सेकंड उसका एग्जाम दे के निकले उसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा था। यानी 10 बजे जो पेपर होना था 9 बजे पहले वो चीज वायरल हो गई? नहीं नहीं, वो 3 बजे वाला पेपर था, 10 बजे पेपर होना था पहला पेपर, लेकिन 9 बजे कुछ चीज वायरल हुई, उसके बाद जब मैच मिलाया गया तो वो 9 बजे वाला नहीं था, 10 बजे वाला नहीं था पेपर, लेकिन वो 2 बजे आ गया, फिर 2 बजे आ गया। 9 बजे आ गया था ये, 9 बजे वायरल हो गया था जो ये PDF आई थी, एक ग्रुप में हो रही थी वायरल की देख लो कि ये जो आने वाला है वो ये है कि नहीं, लेकिन जब एग्जाम से निकले तो वो मैच नहीं हुआ, तो टेंशन खत्म हुई कि लीक नहीं हुआ। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट शुरू हुई वो 2-3 बजे से 5 बजे तक थी, 2:30 बजे बच्चे अंदर चले गए, देख तो लगभग सभी ने ली थी कि भाई ये PDF चलो उसकी नहीं थी छोड़ो कोई बात नहीं। जब 5 बजे वापिस आई तो वही PDF सेकंड शिफ्ट में झुकी, तो पूरा आंसर की क्वेश्चन विद आंसर इस PDF में है। अब ये सुबह 9 बजे आ गई थी, जो बच्चा 3 बजे पेपर दे गया, अगर मान लो 12 लाख का पेपर था, अगर उसमें से 50,000 ने भी ये आंसर की देख के आ गई तो वो कितने कर गएगा, 150 में से 140 तो
करके ही आएगा, 5 मिनट भी अगर दे दो तो कम से कम 100 क्वेश्चन रट लेगा। कोई है ऐसा जिन्होंने वो पेपर किया है? हम तो थर्ड शिफ्ट के थे, मतलब जो 18 की फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मैंने आके चेक किया था, मगर नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो फेक है मगर न्यूज। लेकिन जब सेकंड शिफ्ट का किसी से पूछा कि देखा कि हाँ भाई यही था, तो जरा आप ही देखो क्या ही बीतेगी बंदों पे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर सब पे बुलडोजर चलना चाहिए और 1 करोड़ रुपए लगना चाहिए जुर्माना। इस तरह तो भविष्य से हमारे खिलवाड़ हो रहा है, तो गलत है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से पेपर सेफ रहेगा? तैयारी ये होनी चाहिए कि बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो भी ये लोग लीक कराते हैं इन पे नजर रखनी चाहिए। और पहले तो जी ये पेपर रद्द होना चाहिए, इसके बाद दोबारा इसकी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होनी चाहिए और ये पूरी सख्ताई से ये पेपर दोबारा होना चाहिए, इसका एक ही रास्ता। और पेपर चारों शिफ्ट का होना चाहिए रद्द, ऐसे नहीं कि दो का होगा, क्योंकि जो दो बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा, जो दो दो शिफ्ट के बच्चे हैं वो 3 महीने ज्यादा मिलेंगे, वो फटेगा ज्यादा, और फिर जो दो दो शिफ्ट के बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। चारों शिफ्ट का पेपर होना चाहिए, मतलब वो और बच्चों पे इससे अलग ऑप्शन भी नहीं है कि भाई नेक्स्ट भर्ती में देख लेंगे। 5 साल में भर्ती आई है, 5 साल की छूट भी मिली है, जो उनसे अवरेज हो रहे हैं वे कैसे कर पाएंगे? क्या लगा था जब ये 60,000 की भर्ती निकली थी तो आप लोगों को क्या उम्मीदें जगी थी कि भाई चलो सिलेक्शन लेंगे? भाई 100% तो कोई श्योर नहीं होता, लेकिन 90% होता है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, चलो भाई हो ही जाएगा। 60,000 वैकेंसी अब बहुत काफी बैठती है, अब तक तो मैक्सिमम इतनी आई भी नहीं है, मैक्सिमम शायद 45,000 आई है मैक्सिमम, लेकिन 60,000 इस बार आई तो सोचा कि हाँ भाई सिलेक्शन लेंगे, भाई बड़ी भर्ती है, अच्छा होगा। क्या लगता है ये सब कुछ जो हुआ, ये क्या लगता है, सही हुआ है सब? बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। मेरा एग्जाम था जी फर्स्ट शिफ्ट में 17 के में, हम देखा है, हमें लगा कि हमारे अच्छी तैयारी थी, हम 5 साल से तैयारी कर रहे थे जी, और हमें लगा था कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफी दिन से कह रहे थे कि पहले 2022 के चुनाव ऐसे चलेगा कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी, 24 में आएगी, अचानक पहली बात तो अचानक भर्ती दी जी, टाइम नहीं दिया, 45 दिन का समय दिया, जैसे भी करके मतलब जल्दबाजी में होया सब कुछ, वो जल्दबाजी के कारण ये लीक हुआ जी। जल्दबाजी किस चीज की थी? जल्दबाजी आएगी, कुछ भी टाइम नहीं दिया, 1.5 महीने का टाइम था, 1.5 महीने में कोई भर्ती कौन होती जी? इलेक्शन अप्रैल में, तो इसलिए जल्दी में जल्दी जल्दी इसका क्रेज मिल जाए, भर्ती हुई और व्यवस्था कुछ थी नहीं, माची टीचर भी ये कह रहे कि जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, ऐसा थोड़ी होता है। 60,000 इसमें सरकार बिल्कुल विफल रही है पेपर कराने में, हम ये चाहेंगे कि दोबारा पेपर हो जो। बिल्कुल मीटिंग का। हाँ जी अच्छा, चलिए और युवाओं से, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा सावेज है। अच्छा सावेज भाई, क्या लगता है जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में क्या कहो? पेपर लीक हुआ है सर, ये दोबारा पेपर होना चाहिए, जल्दबाजी की वजह से हुआ है, और जहाँ सेंटर लग रहे थे ऐसा था कि कोई भूस का कोठा है, ऐसी ऐसी जगह सेंटर लग रहे थे, और ना उनमें वो सुविधा, ना उन पर लिखने की सुविधा, और एक जो पेपर लीक हुआ है वो कम से कम 2-2 घंटे पहले बच्चों के पास पहुंच रहा है, और वो 5-5 लाख बच्चों ने देख लिया। अगर 5 लाख बच्चों ने देख लिया तो 60,000 की वैकेंसी है, 5 लाखों ने देख लिया, तो जो मेहनत करने वाला है वो तो अटेम्प्ट करके आ रहा है, 115-20 उसके नंबर बने हैं 200 मैक्सिमम, लेकिन जो 2 नंबर से जा रहा है चीटिंग करके जा रहा है उसके पहुंच रहे 240-50-80-90। यहाँ कितने बच्चे थे यहाँ जो तैयारी कर रहे थे? यहाँ सर 100-150 बच्चे थे सर, और सर 2 महीने हो गए सर यहीं रह रहे, अपने गांव में जा रहे यहीं रह रहे, बिल्कुल यहाँ रूम ले रखे सर, ऐसे थोड़े होगा, ये तो रद्द होनी चाहिए, चारों शिफ्ट रद्द होनी चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से, इस तरह नहीं होगा। आप भी थे? चारों शिफ्ट कैंसिल हो गया। क्या नाम है आपका? साहिल। अच्छा कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं ये 2 साल हो गए तैयारी करते। क्या लगता है अब उम्मीदें एक बार फिर है कि नहीं है? उम्मीद तो देखो जी, सरकार जो कैंसिल करती है तो उम्मीद लगती है चारों शिफ्ट कैंसिल होने की। आगे की क्या तैयारी है? अभी आप लोग ज्ञापन लेकर गए थे। आगे की तैयारी है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, यहाँ से कोई संदेश नहीं गया, तो हम SDM के यहाँ जाएंगे, DM के यहाँ जाएंगे, कल गंगो में डिप्टी CM आ रहे हैं। मांग यही कि निष्पक्ष तरीके से दोबारा बिल्कुल पूर्ण तरीके से कैंसिल हो जाए पहले तो ये चारों शिफ्टों के एग्जाम, और दोबारा होने चाहिए पूर्ण तरीके से और ईमानदारी के साथ। तो ये शिक्षा लाइब्रेरी के वो स्टूडेंट है जो लगातार कई महीनों से यहाँ तैयारी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस से जो वैकेंसी निकली थी उस पर एक बार बादल मंडराने लगे, यानी साफ इनका कहना है कि जो भर्ती हुई उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है, ये हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है।